Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video from class 8, chapter Combustion and Flame. So students, before this video, I had explained you about the process of combustion, substances which are combustible and non-combustible, types of combustion. For example, rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. So in this video, we are going to learn about the conditions necessary for combustion. So three conditions that are necessary for combustion are, first one, the presence of combustible substance. किसी भी combustion के लिए, combustion process के लिए combustible substance का होना ज़रूरी है, ठीक है? Incombustible substance को अगर आप लोगे, तो it cannot be worked. सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन, एक सपोर्टर की ज़रूरत होती है जो कम्बशन में हेल्प करता है. थर्ड वन इज द हीटिंग द कम्बस्टेबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मीन्स अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टेबल सब्सटेंस. इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी होता है. नाउ ऑल दिस कंडीशंस वी विल स्टडी वन बाय वन. ओके स्टूडेंट्स, सो द this three condition necessary for combustion is also called as triangle of fire. In तीनों conditions को हम साथ में क्या बोलते हैं, triangle of fire. So first thing is combustible substance. The presence of combustible substance like paper, cloth, wood, LPG and petrol is necessary for combustion to occur. ठीक है, चाहे पेपर हो, क्लॉथ हो, वुड हो, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, मतलब कोई भी अगर कम्बस्टेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तभी कम्बशन प्रोसेस होगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ठीक है, अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस इज एक्चुअली द फूड ऑफ फायर. सो द नेक्स्ट वन इज द सपोर्टर ऑफ कम्बशन. सी, कम्बशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू प्रोड्यूस हीट. आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि कम्बशन के लिए क्या नेसेसरी होती है, एयर नेसेसरी होती है, अदरवाइज इट विल नॉट प्रोड्यूस हीट. सो द मोस्ट कॉमन सपोर्टर इज समथिंग विच इज ऑल अराउंड अस, दैट इज एयर. सो वी कैन से दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कम्बशन. अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोई भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न आउट नहीं होगा. सो द प्रोसेस ऑफ कम्बशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. कम्बशन तब तक पॉसिबल होगा जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है या कम हो जाता है, देन द हीट ऑटोमेटिकली कट ऑफ. व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज डिसकंटिन्यू और कट ऑफ, कम्बशन विल स्टॉप. एग्जाम्पल इज व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर, देन द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट. द ब्लैंकेट स्टॉप्स द सप्लाई ऑफ एयर टू द क्लोथ्स विच हैव caught fire. The third one is the attainment of ignition temperature. Wood and coal are fuels, but they do not start burning on their own. ठीक है, wood और coal दोनों fuels है, but वो अपने आप burn out होना start तो नहीं कर देते. So they burn when they are heated with a flame. ठीक है, वो कब burn out होंगे, जब they are heated with a flame of a candle or bunsen burner to a minimum certain minimum temperature. So what is ignition temperature? The lowest temperature to which a substance must be heated to catch fire and start burning, it's called its ignition temperature. Aisa temperature jahan par koi bhi substance jo hota hai wo fire ko catch karta hai aur burn hona start karta hai, us temperature ko hum bolte hain ignition temperature. Different substance have different ignition temperature. डिफरेंट सब्सटेंस, जो अलग अलग सब्सटेंसेज होता है, सबका इग्निशन टेम्परेचर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. मीन्स कोई भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस होगा अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो फायर को कैच नहीं करेगा, इफ इट्स टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर होगा वो इग्निशन टेम्परेचर से लो होगा. इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे. द एक्टिविटी इज टू शो दैट द कम्बस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. क्या करना है कि
पेपर कप लेना है, उसमें हमको सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है एंड उस पेपर कप को हम स्टोव के ऊपर रखेंगे एंड उस स्टोव को लाइट अप करेंगे. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव दैट वाटर फ्रॉम द पेपर कप एंड आप जो एम्प्टी पेपर कप है उसको फिर से गैस स्टोव पर रखेंगे. ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, जो वाटर रहता है द वाटर बिकम्स हॉट एंड ऑल्सो स्टार्ट बॉइलिंग. वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट केस में, लेकिन कप जो है वो बर्न नहीं होगा. क्यों बर्न नहीं होगा, क्योंकि पेपर कप की जो हीट है वो किसको ट्रांसफ़र हो रही है, वाटर को ट्रांसफ़र हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. लेकिन जिसकी वजह से पेपर कप जो है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है और वो बर्न नहीं होता. जबकि हम दूसरे केस में देखेंगे, अगर वाटर को हम रिमूव कर देते हैं और एम्प्टी पेपर कप जब हम स्टोव के ऊपर रखते हैं तो पेपर कप जो है इट विल रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग. सो द कंबस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. नाउ स्टूडेंट्स, कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है. एग्जाम्पल इज पेपर, स्प्लिंटर ऑफ वुड, ड्राई ग्रास एक्सेट्रा. द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और फिर भी वो फायर को कैच कर लेते हैं अगर फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल्स आर LPG, केरोसिन, एल्कोहल, पेपर, फैब्रिक्स, स्ट्रॉ, ड्राई ग्रास एक्सेट्रा. दे ऑल हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर सो दे कैन ईजली कैच फायर. Now the second thing is how a matchstick is lighted. Matchstick light up कैसे होती है, तो the matchstick starts burning on rubbing it on the side of the matchbox. जब भी हम किसी matchstick को matchbox के side से rub करते हैं तो एक friction create हो जाता है. उस friction की वजह से क्या होता है, जो matchstick के tip पर जो chemicals होते हैं वो heat produce करते हैं and it will reach to its ignition temperature और वो fire को कैच कर लेते हैं. नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर, वी नो दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. एनी फायर नीड्स थ्री थिंग्स टू बी प्रेजेंट, फ्यूल, हीट, एयर और ऑक्सीजन. इफ एनी ऑफ दिस थिंग्स इज रिमूव देन द बर्निंग विल स्टॉप एंड फायर विल बी एक्सटिंग्विश. फायर के लिए क्या चीज़ें जरूरी है, फ्यूल जरूरी है, हीट जरूरी है एंड एयर जरूरी है. अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक को स्टॉप कर देते हैं देन फायर कैन ईजिली बी कंट्रोल्ड. सो वी कैन कंट्रोल फायर बाय रिमूविंग द फ्यूल, बाय रिमूविंग द हीट और बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई. नाउ हाउ वी कैन रिमूव द फ्यूल, अ फ्यूल इज गुड फॉर फायर. सो व्हेन फायर स्टार्ट इन अ रूम ऑल द कंबस्टेबल सब्सटेंस लाइक फर्नीचर, क्लोथ्स एंड बुक्स एक्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड एट वंस सो दैट फायर मे नॉट स्प्रेड. ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस रूम में जितने भी कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं उनको हमको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज द फायर विल स्प्रेड मोर एंड मोर. एंड इट इज़ हाउएवर नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द कंबस्टेबल मटीरियल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर. सो वाटर इज यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम अ बर्निंग सब्सटेंस एंड टू मेक इट टू कूल टू बर्न फर्दर. Water is very common fire extinguisher that can extinguish common fire only. But when water is thrown on a burning substance, it gets cooled below its ignition temperature and stops burning. But still, fire produced by oil, petrol or any electrical appliance cannot be extinguished with water. So oil and petrol floats on water and hence the fire would spread more and more. The person trying to extinguish fire due to electrical appliance might get an electric shock. So student, this is all about this video. Further we will continue in the next video, and if you are well understood by this video then like the video, and if any doubt is there then you can write in the comment section. Thank you so much.